बात करते हैं रतलाम की, जहां नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। प्रचार अभियान में नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल का एक वीडियो सामने आया है, इसे अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। वीडियो में भाजपा के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल कुछ लोगों पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रहलाद पटेल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जितने भी घरों में झंडे लगे हैं कांग्रेस के, सबके फोटो खींचो। पार्षद जी, मैं कह रहा हूं इन सब की सुविधाएं बंद करो। 5-6 घरों के वोट नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबक मिलना जरूरी है। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट ने बयान जारी कर इसे भाजपा के नेताओं का अहंकार बताया है। वहीं इस मामले में प्रहलाद पटेल ने भी बयान जारी कर इस घटना को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। वायरल हो रहा वीडियो शिवनगर क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल स्थानीय लोगों द्वारा कांग्रेस का झंडा लगाए जाने पर नाराज होते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर प्रहलाद पटेल का कहना है कि वह शिवनगर चुनाव प्रचार के लिए गए थे। वहां पर प्रधानमंत्री आवास के मकानों पर कांग्रेस झंडे लगे हुए थे, जिन्हें देख उन्हें समझाने का प्रयास किया कि भाजपा ने आपको इस योजना का लाभ दिलवाया है तो आपको भाजपा के झंडे लाना चाहिए। इसके बाद यह वीडियो में क्या एडिट किया गया है मुझे नहीं मालूम है। प्रहलाद पटेल ने इसकी शिकायत पुलिस में किए जाने की बात कही है। वहीं इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट ने अपनी सभा में कहा कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने वालों को कांग्रेस का प्रचार करने का हक नहीं है क्या? मयंक जाट इसे भाजपा के नेताओं का अहंकार बता रहे हैं। ये जितने भी घर पे झंडे लग रहे हैं कांग्रेस के, पार्षद जी आपको कह रहा हूं मैं, सबके फोटो खींचो, सारी सुविधा बंद करो। हां, मुझे पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस हितग्राही ने लाभ लिया है वो कांग्रेस का झंडा लगाकर लोगों को बरगला रहा है कि मुझे ये जो योजना मिली है ये कांग्रेस ने दी है। जब मैंने उससे बात की और मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि भैया तुमने ये कांग्रेस का झंडा क्यों लगा रखा है, जब आपको लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना चाहिए, और आगे की कुछ ऐसी बातें नहीं हुई है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की है, बाकी आगे जो भी एडिट किया गया है वो मुझे नहीं पता। कल का रोड शो था जो माननीय शिवराज जी का, उसमें अपार जन समर्थन जो हमें मिला, इसके कारण इन लोगों ने कोई हरकत की है, और मैं पुलिस में आवेदन दूंगा और इसकी जाँच की मांग करूँगा, और जो भी इसके पीछे है उनको सजा दिलवाऊंगा।